धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युषव मामका पांडवश्चैव किं कुतं सञ्जये कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिना मा कर्मफलहेतु धन्यवाद। एक बात का सभी ध्यान रखेंगे, जो मैंने पहले नियम बताए थे कंठस्थीकरण, तो कंठस्थीकरण का विशेष ध्यान उसी के ही नंबर दिए जाएंगे अगले प्रतियोगिता के लिए। सुजन बीएससी नर्सिंग से सुजन आए और गीता का पाठ। आपको पहले भी बताया गया था प्रतियोगिता के नियम, कहीं भी किसी भी प्रतियोगिता में जाते हैं कंठस्थीकरण बहुत आवश्यक होता है। आप देखकर ना बोले, बिना देखे आपको कितना याद है उसका पॉइंट मिलेगा। इसलिए हमने कोई प्रतिबद्धता नहीं बताई कि अधिक से अधिक और अधिक, न्यूनतम से न्यूनतम, अधिकतम से अधिकतम, अधिकतम आप कितने श्लोक याद कर सकते हैं गीता के, इसके ऊपर प्रतियोगिता है। इस चीज का ध्यान रखें विशेष। अब मैं बीएमएस से वसी अत्र महेश्वाशा भीमर्जुना समाहिति
युद्धानो विराटस्य द्रौपदस्य महारथी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। धन्यवाद। अगले क्वेश्चन करते हैं दीक्षा। दीक्षा हो गए। श्वेता समुद्र में विमुखार
एक बार जोरदार ताली बजाएं। यहां पर खड़े होना ही बहुत बड़े उत्साह की बात है, इसलिए कभी भी अपने को प्रस्तुत करने के लिए कभी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। हम खुद यहां पर नहीं आ सकते, लेकिन दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए, इसलिए ताली की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। अगले कंटेस्टेंट में मैं BMSCE हर्ष सिंह कुमारी अंजलि कुमारी अंजलि के संबंध शोषयति मारुता यदा
सालों बाद अगले कंटेस्टेंट के लिए बीएससी नर्सिंग से निशा निशा को लाता जोरदार तालियों से स्वागत आए और गीता पाठ प्रधान आचार्य यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथि एवं आचार्य प्रमुखों मेरी तरफ से गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बी एस नर्सिंग प्रथम वर्ष का छात्र आपके सामने गीता के कुछ श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो इस प्रकार है। आत्मानं परमेश्वरा तिष्ठमिच्छामि ते रूपम् ईश्वरं पुरुषोत्तमम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिं भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजन्नः पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च तिष्ठताम् धर्म संस्था संभवानी युगे युगे नैनं छिद्राणि संस्त्राणि नैनं दरति पावका नाजैनं क्ले त्यापो नासोसियति मारुता सुख दुखे समय कृपा लाभ लाभो दयालयो ततो युद्ध सयुज्यस्व नैवं पापं पापसि। धन्यवाद। आयुषी पांडे आए शूद्रम्
श्रीमद्भगवद्गीता धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम का पांडवास्तेव किमकुर्वत संजया दृष्ट्वा तु पांडवानीकं युद्धं दुर्योधनस्तदा आचार्योपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं युढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरामहेश्वासा भीमार्जुन समायोगी युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतुश्चेतितानां काशीराजश्च वीर्यवान् कुरुचित् कुन्तिभोजश्च सैकश्च नरपुङ्गव युयुधानो विराटश्च काशीराजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वदेव महारथा सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वैपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते न कांक्षे विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्दं किं भोगे जीवितेन वा तं तथा कृपया विष्टा अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम् विशीदन्तमिदं वाक्यं वाच मधुसूदनः कृतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यदुष्टमः स्वर्गम् अकीर्तिकरमण्डलम् क्लैव्यमास्मगमहपार्था नैतदुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठा परन्तपः कथं भीममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदना इषुभि प्रति योत्स्यामि पूजा परिसूदनम् कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयः शान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरं प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मूयति न जायते जायते प्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो नन्यते हन्यमाने शरीरे मांसासि जीर्णानि यथा विहाया नमामि जीर्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नरो अन्यानि संयाति नमामि देहि नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेति अन्त्यापो न शोषयति मारुता सुखदुःखसमे कृत्वा लाभालाभो जयासि ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्यसि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा करं फलहेतुर्भु मा ते सङ्गोष्ठकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनञ्जया सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समर्थं योग उच्यते यद् यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवे तरोचना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते श्रेयात् स्वधर्मो विगुणः परधर्मो स्वनिष्ठिता स्वधर्मो स्वधर्मे निर्घनं श्रेया परधर्मो भयावहः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्यत्थानवधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ब्रह्मार्पणं ब्रह्माङ्गे ब्रह्मात्मो ब्रह्मणान्तं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परा संयते क्रिया ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचरेणाधिगच्छति विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे कविहस्तनि शुनि चैव स्वपाके च पण्डिता समदर्शिना उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादे रात्मैव आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मना बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना चिता युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यत्करोषि यदश्नासि यज्जम्भूषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम् पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत
ब्रह्मीशम कमलासनस्थामृषेर्वा दिव्यां अनेक बाहूधर वक्र नेत्र पश्याम न पुनस्तवादि पश्याम चक्रिणम चातेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्याम दुर्निरीक्षं समन्तादीप्तानलाकाद्युतिमप्रमेयम् क्षरम परम वेदितव्यम तमस्य विश्वस्य परम निधानम तमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन स्वं पुरुषो न देवे अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि ज्ञातं त्वयेकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयेभ्यव्यक्तं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिः पुष्कलाभि रुद्रादित्यावसवो ये च साध्या विश्वेश्वरो मरुतश्चोष्पपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहर्ष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमश्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च ते नानमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणे व्याधिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सर्वसत्तत्परं यत् त्वमव्ययः त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेतासि दैत्यं च परं च धामम् दासिवेद्यं च परं च धामं लोकत्रयेभ्यव्यक्तं महात्मनि वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्का प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वम् अनन्तवीर्यं हितविक्रमस्त्वम् सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वं सखेति नत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं सवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहारसय्यासनगोचरे एकोद्धवाप्यच्युत तत्समक्षं गच्छामये त्वां महमि महमप्रमेयम् लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयाणि न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेभ्यप्रतिमप्रमेयम् तस्मात् प्रणम्यां प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशपीठम् पुत्रस्य सखेव सख्यो क्रिया क्रियायामसि देव सोढुम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीविजयोर्भूति ध्रुवानि निर्मति मम प्रतिभागी के रूप में मैं
विदुर, हरि ओम गौड़, सार्थक, उर्मिजा, उर्मिजा से मैं निवेदन करूंगा आप आने के लिए। प्रतीक्षा प्राप्तिर धीर शस्त्र नम्युहति नैनम
पश्यति सर्वत्र सर्वत्रमयि पश्यति यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न परणश्यामि सच मे न परणश्यति यथा प्रतीतं ज्वलनं पतंगा विजन्ति नाशाय समीर्षवेगा तथैव नाशाय विजन्ति लोकास् तव अपि वक्त्राणि समीर्षवेगा धन्यवाद। वैष्णवी कुटी आयुषी कुनियार अंकित वेलवा तालियां जोर से बजाओ अंकित वेलवा मेरा नाम अंकित बेलवा, मैं बीएससी योग का छात्र हूँ। आज गीता जयंती के उपलक्ष में मैं कुछ श्लोक उपस्थित करना चाहता हूँ। पहला श्लोक, धर्म क्षेत्र गुरु क्षेत्र सम्मेलायुत्सवा माम का पांडवाचर्वत संजय दित्वाटु पांडवानी कम युगम दुर्योधन स्थला आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन ब्रवी पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महती च व्योडां दुपत्पुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूर महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुद्धानु विराटश्च द्रुपदश्च महारथा कृष्णकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीरवा कुरुचित् कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः युधामुनिश्च विक्रान्ता तमुजाश्च वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयास् सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टाय तान्निबोधाभिजोत्तमं नायका मम सेनस्य संज्ञातं तान् ब्रवीमि भवान् भीष्मस्य कर्णस्य शिवस्य समितिञ्जय अश्वत्थामविकर्णस्य सौमदत्तस्तथैव च अन्ये च बहवः असुरा अर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वयुद्धविशारदा पर्याप्तं बलं पर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं ऋग्वेदेषां बलं भीमाभिरक्षितम् पांचजन्यशीकेशो देवदत्तं धनञ्जय कौण्डर्यदमो महासंघं भीमकर्माभिगोधरा अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरा नकुलसहदेवश्च सुकोसुमणिपुष्पकौ बुद्धियुक्तो जहातीह वेसुकृतुस्कृते तस्मोदोक्ताय यजस्व योगकर्मासु कौशलम् नैनं चिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेयन्ति आपो न शोष्यति मारुता यदा यदा हि धर्मस्य
निर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे कर्मण्य बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूम ते संगोस्तु कर्मणि। धन्यवाद। प्रतियोगिता के अंतिम प्रतिभागी बीएससी योगा बीएससी सेकेंड ईयर गोपाल आए। यच्चंद्रमसि यच्चनः तत्तेजो विद्यमानकम्
तो
योगाकर्मेषु कौशलम् संग योगस्था गुरु कर्माणि संगम तीर्था नंदना सिद्धिय सिद्धिय समुपुत्ता समस्तम योग पंचते इदं शरीरं कौन्तेय चेत्र नित्य विधीयम् एतत् विरचितं प्राह चेत्र एतत् विधानम्। धन्यवाद। आप सभी का मंगल। बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किया सबने। अगर कोई इसके अलावा कोई प्रस्तुत करना चाहे तो अपना नाम लिखा सकता है। किसी को सुनाना है तो सभी प्रतिभागियों ने अपना बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण गीता पाठ प्रस्तुत किया। एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। तो जितने भी प्रतिभागियों ने अभी यह गीता पाठ प्रस्तुत किया सबको विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और अब प्रतियोगिता पूर्ण हुई और इसका परिणाम घोषित होने से पूर्व कुछ समय के लिए विराम दिया जाता है। आपको सभी को ठीक 1:30 बजे यहां फिर से उपस्थित होना है। हमारे निरीक्षण विवेकी निर्णायक महानुभाव आप लोगों को आज की प्रतियोगिता का परिणाम घोषित करेंगे और आप ठीक 1:30 बजे अर्थात अपना लंच वगैरह करके जो भी जलपान करना है तो सभी को जो है 1:30 बजे यहां पर एकत्रित होना है। और एक और प्रतियोगिता होगी प्रश्न मंच प्रतियोगिता, वो सामूहिक रूप से होगी, उसमें किसी का नाम नहीं यहां पर बोला जाएगा। सामूहिक रूप से जो है गीता से श्रीमद् भगवद गीता से कुछ प्रश्न हमने एकत्रित किए हैं आपके ज्ञानवर्धन के लिए। वो गीता के प्रश्न आपको आपसे पूछे जाएंगे और त्वरित उसका उत्तर देना है और त्वरित इनाम भी जो पारितोषिक होगा वहीं पर दिया जाएगा। जो जो उत्तर देगा उसको उसका पुरस्कार वहीं पर वितरित किया जाएगा। ठीक है, तो बड़े ही रोचक तरीके से आप आए और इस प्रतियोगिता का भी आनंद लें। आप जाएं और 1:30 बजे फिर से। धन्यवाद।